जय हिंद दोस्तों, आप सभी का FD क्लासेस में स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में देखेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर कुछ पदों पर अभी वर्तमान में नियुक्तियां की गई हैं। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर से अभी हर एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप करंट अफेयर की तैयारी को तगड़ा कीजिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 से 10 नंबर आपके लिए। इसलिए करंट अफेयर जिसमें भारत का हो या छत्तीसगढ़ का, दोनों का करंट अफेयर आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। आप हमारी वीडियो में, हमारे चैनल में डेली 8 बजे छत्तीसगढ़ और भारत की करंट अफेयर की तैयारी डेली मॉर्निंग में कर सकते हैं। चलिए आज के नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, जिनमें से पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, दुर्ग पुलिस रेंज से अलग कर नई पुलिस रेंज राजनांदगांव का IG किसे बनाया गया है? तो इनका सही आंसर क्या होगा? राहुल भगत को पुलिस रेंज राजनांदगांव का IG बनाया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इसे कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाया गया था, अभी आने वाले समय में इसे परिवर्तन किया जा सकता है। जो भी अपडेट होगा आपको हम टेलीग्राम के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पुलिस दुर्ग पुलिस रेंज को अलग कर राजनांदगांव को एक नया रेंज बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में कुल कितने पुलिस रेंज है इसे भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भी 6 पुलिस रेंज है, इसे याद रखना है, जिसमें सभी संभाग को याद रखना है। 5 संभाग में 5 पुलिस रेंज जिसमें याद रखेंगे, जिसमें पहला आपको याद रखना है, इसमें पहले नंबर पर याद रखना है रायपुर को याद रखना है, रायपुर। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है बिलासपुर, बिलासपुर। साथ ही आपको याद रखना है इसमें तीसरे नंबर पे दुर्ग याद रखना है, दुर्ग पुलिस रेंज। साथ ही चौथे नंबर पे याद रखना है आपको सरगुजा, सरगुजा पुलिस रेंज को याद रखना है। साथ ही याद रखना है इसमें बस्तर को याद रखना है पांचवे के रूप में, पांचवा संभाग बस्तर में, बस्तर को एक पुलिस रेंज बनाया गया है। साथ ही आपको याद रखना है इसमें दुर्ग संभाग से अलग कर, दुर्ग पुलिस रेंज से अलग कर एक राजनांदगांव पुलिस रेंज बनाया गया है, इसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। PHQ में पदस्थ राहुल भगत को नए पुलिस रेंज राजनांदगांव का IG बनाया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, राजनांदगांव नए पुलिस रेंज के पहला IG बनाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया है? तो इनका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष अभी वर्तमान में डॉक्टर चरणदास महंत जी को चुना गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें याद रखना है छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी को विधानसभा में कांग्रेस के विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। 2018 में कांग्रेस शासनकाल में चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे, इसे भी याद रखना है, इनके पॉइंट को भी याद रखना है, इससे भी कोर्ट वाले क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 2023 में उन्होंने शक्ति विधानसभा से चुनाव जीत हासिल किया है। याद रखेंगे, शक्ति विधानसभा से इसने चुनाव जीत हासिल किया है इस साल। चलिए आगे देखिए, इसमें अब तक जितने भी छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं उनके बारे में है, इसमें याद रखेंगे। इसमें क्रमवार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे। पहला याद रखेंगे इसमें श्री नंद कुमार साय, जो प्रथम विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष बने गए थे, जिसमें 2000 से लेकर 2003 तक प्रथम नेता प्रतिपक्ष चुने गए थे। दूसरा देखिए, इसमें श्री महेंद्र कर्मा को याद रखना है, दूसरे विधानसभा सत्र में इसे नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, 2003 से लेकर 2008 तक इसे बनाया गया था। इसमें याद रखेंगे, सही जोड़ी से संबंधित इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनके कार्यकाल को भी याद रखना है, सही जोड़ी में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा याद रखेंगे, श्री रविंद्र चौबे तृतीय विधानसभा में इसे 2009 से 2013 तक बनाया गया था। साथ ही याद रखना है TS सिंहदेव को, जहां 2014 से 2018 तक इसे नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्या है? श्री धर्मलाल कौशिक, जो पंचम विधानसभा याद रखेंगे 2019 से 2022 तक इसे बनाया गया था।
नेक्स्ट याद रखेंगे श्री नारायण चंदेल को याद रखना है 2022 से 2023 तक बनाया गया था। अब अभी वर्तमान में श्री चरणदास महन जी को छत्तीसगढ़ का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। चलिए इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो सही आंसर क्या होगा, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का भी वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये है विश्वभूषण हरिचंदन जी, इनके बारे में याद रखेंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सातवें राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी है, इसे याद रखना है। इसके बाद याद रखना है छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय को भी याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछे गए, पीएससी हो या व्यापम हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इससे क्वेश्चन आराम से बने हुए हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें याद रखना है अब तक जितने भी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं उनसे संबंधित है, इसमें से क्रमवार याद रखने हैं आपको, जिसमें पहले याद रखेंगे दिनेश नंदन सहाय, जो इनका गृह राज्य भी याद रखेंगे, यह बिहार से था जिसे 2000 में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाया गया था, इसे याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनने से पहले यह तत्काल किस पद में था उसे भी याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनने से पहले यह बिहार पुलिस महानिर्देशक थे, इसे याद रखना, इसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसे किसके द्वारा नियुक्त किया गया था याद रखना है, उस समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायण थे, इसे याद रखना है। KR नारायण ने इसे 2000 में दिनेश चंद्र सहाय को छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल बनाया था, अब इस क्रम को आपको याद रखना है। चलिए दूसरा देखिए, कृष्ण मोहन सेठ याद रखना है, यह उत्तर प्रदेश से था, इसका गृह निवास उत्तर प्रदेश है, याद रखेंगे। साथ ही तीसरा याद रखेंगे नरसिम्हन को याद रखना है आपको, इसके बाद शेखर दत्त को याद रखना है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के रूप में इसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया था राम नरेश यादव को याद रखेंगे, प्रथम अतिरिक्त प्रभार इसे ही दिया गया था छत्तीसगढ़ का, राम नरेश यादव को याद रखना है। इसके बाद याद रखेंगे बलराम दास टंडन जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाए गए थे, इसके बाद आपको याद रखना है आनंदीबेन पटेल को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाए थे, इसके बाद याद रखना है, मतलब अतिरिक्त प्रभार दिया था इसे याद रखेंगे। छठवा हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके को याद रखना है, और सातवें नंबर में विश्वभूषण हरिचंदन जिसे याद रखना है, इम्पोर्टेंट है यह, इनके गृह राज्य क्या है ओडिशा को याद रखना है। साथ ही याद रखेंगे अभी वर्तमान के हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाया है। चलिए इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका सही आंसर क्या होगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका सही आंसर क्या होगा, रमेश सिन्हा भी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश है, याद रखेंगे दोस्तों, आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा जी, वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है 15वें नंबर से। इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे 15वें नंबर के छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा जी हैं। 29 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन के दरबार हॉल में न्यायपति रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश WA शशांक है, और छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश RS गर्ग हैं, इसे दोनों को याद रखना है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश WA शशांक और छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश याद रखना है RS गर्ग, दोनों को याद रखेंगे, प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश RS गर्ग, इसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चले इन पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? इनका सही आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अभी वर्तमान में राम विचार नेताम जी को प्रोटेम स्पीकर चुना गया है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये है राम विचार नेताम जी के बारे में याद रखेंगे।
यह रामानुजगंज से निर्वाचित हुए हैं, इसके विधानसभा क्षेत्र को भी याद रखना है, रामानुजगंज से यह निर्वाचित हुए हैं। प्रोटेम स्पीकर के कार्य से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनके बेसिक आपको याद रखना जरूरी है, जिसमें प्रथम कार्य याद रखेंगे नए सदस्यों को शपथ दिलाना, इनके प्रमुख कार्य हैं। दूसरा याद रखेंगे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी कराना, इन्हीं का कार्य है। तीसरा याद रखेंगे फ्लोर टेक्स का भी काम करना, इनका प्रमुख कार्य है। स्थायी स्पीकर चुने जाने तक सदन की गतिविधियों का संचालन भी प्रोटेम स्पीकर द्वारा किया जाता है। साथ ही याद रखेंगे सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का कार्य भी प्रोटेम स्पीकर द्वारा किया जाता है। चलिए अब तक जितने भी छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर बने हैं उन सभी को देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनके जितने भी अब तक प्रोटेम स्पीकर बने हैं उन सभी को इसमें देख लेते हैं, जिसमें से प्रथम विधानसभा का श्री महेंद्र बहादुर सिंह को प्रथम प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, इसे याद रखेंगे। दूसरा है द्वितीय विधानसभा का श्री राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। तीसरा तृतीय विधानसभा का बोधराम कंवर जी को बनाया गया है। और चतुर्थ विधानसभा का श्री सत्यनारायण शर्मा जी को बनाया गया है। और पंचम विधानसभा का श्री राम पुकार सिंह ठाकुर को बनाया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, सभी को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी बने हैं, इसे याद रखना है। विष्णु देसाई अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, आप इमेज में देख सकते हैं, ये है विष्णु देसाई जी, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के चौथे क्रम के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई बने हैं, इसे याद रखना है। पहला कौन है, अजीत प्रमोद कुमार जोगी को आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह को याद रखना है, इसके बाद भूपेश बघेल को याद रखना है, और चौथे क्रम के विष्णु देसाई को आपको याद रखना है। चलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो इनका सही आंसर क्या होगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिसमें विजय शर्मा को याद रखेंगे कवर्धा विधानसभा से, और दूसरा याद रखेंगे अरुण साव को याद रखना है। इन दोनों को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री भी याद रखेंगे, TS सिंहदेव को छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। चलिए इन पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन है, तो इनका सही आंसर क्या होगा, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी हैं, याद रखेंगे, आप इमेज में देख सकते हैं, ये है अमिताभ जैन जी, ये छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव भी हैं। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, जो प्रदेश शासन के 12वें क्रम के मुख्य सचिव हैं, याद रखेंगे, यह 12वें क्रम के इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे याद रखना है। 12वें क्रम के मुख्य सचिव हैं अमिताभ जैन जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव अरुण कुमार को भी याद रखना है। चलिए इन पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है, तो इनका सही आंसर होगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा जी हैं। वर्तमान में अभी बहुत परिवर्तन भी किए जाएंगे, इसे भी याद रखेंगे। जितने भी अपडेट होंगे उन सभी को टेलीग्राम के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। याद रखेंगे वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के 11वें क्रम के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा जी हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक मोहन शुक्ला को आपको याद रखना है। चलिए इन पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इनका सही आंसर क्या होगा, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष श्री डॉक्टर रमन सिंह को चुना गया है। याद रखेंगे दोस्तों, 7 बार के विधायक डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव सीट से लगातार 4 बार 2008 से 2013, 2018 और 2023 में जीत हासिल किए हैं। याद रखेंगे इनके विधानसभा क्षेत्र भी याद रखेंगे, राजनांदगांव इनके विधानसभा क्षेत्र हैं, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब तक छत्तीसगढ़ के जितने भी विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं उसे याद रखेंगे। पहला याद रखेंगे श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, जिसे 2000 में बनाया गया था, और 2003 तक यह प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष रहा, इसे याद रखना है। श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को आपको याद रखना है। दूसरा याद रखेंगे श्री प्रेम प्रकाश पांडे को याद रखना है,
तीसरा याद रखेंगे श्री धर्मलाल कौशिक को, याद रखें 2009 से 2014 तक छत्तीसगढ़ के विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। चौथा याद रखेंगे श्री गौरीशंकर अग्रवाल को, याद रखना है यह कसडोल विधायक था, कसडोल से यह जीत हासिल किए थे, इसे याद रखना है। डॉक्टर चरणदास महन जी को याद रखना है। अब इसके बाद आपको याद रखना है डॉक्टर रमन सिंह को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो इनका सही आंसर क्या होगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त याद रखेंगे एम के राउत जी हैं छत्तीसगढ़ के अभी मुख्य सूचना आयुक्त। चलिए इनके बारे में याद रखेंगे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त भी याद रखेंगे ए के विजयवर्गीय छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हैं। चलिए इन पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में प्रदेश का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, तो इनका सही आंसर क्या होगा। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे रीना बाबा साहेब कांगले वर्तमान में मुख्य सूचना माफ कीजिएगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, याद रखेंगे। इससे पहले 2006 बैच के IAS पी दयानंद प्रदेश का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चुने गए थे। पी दयानंद अभी समाज कल्याण विभाग के संचालक हैं, याद रखेंगे दोस्तों। पी दयानंद को अभी मुख्यमंत्री का सचिव भी बनाया गया है, आगे देखेंगे उसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, याद रखेंगे दोस्तों विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है। आप इमेज में देख सकते हैं डॉक्टर सुभाष सिंह राज को विशेष कर्तव्य अधिकारी चुने गए हैं। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुभाष सिंह राज को चुने गए हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निजी स्थापना में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, याद रखेंगे इसमें निजी स्थापना में, इसमें आपको याद रखना है निजी स्थापना में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, श्री उमेश अग्रवाल को याद रखना है, श्री रविकांत मिश्रा को याद रखना है, उपरोक्त में से दोनों इनका सही आंसर है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निजी स्थापना में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में श्री उमेश अग्रवाल और श्री रविकांत मिश्रा को चुने गए हैं, इन पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णु साय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इनका सही आंसर होगा, अभी पी दयानंद को विष्णु देसाय के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। आप इमेज में देख सकते हैं ये है पी दयानंद जी, याद रखेंगे दोस्तों पी दयानंद को मुख्यमंत्री विष्णु देसाय का सचिव बनाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पी दयानंद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उन्हें चिकित्सा शिक्षा सेवा विभाग का अतिरिक्त सचिव का भी दायित्व सौंपा गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की मुख्य पदाधिकारी रीना बाबा साहब कांगले के छुट्टी पर रहने के दौरान नवंबर में पी दयानंद को उनकी जगह जिम्मेदारी दी गई थी, याद रखेंगे। साल 2006 बैच के अफसर दयानंद 2018 में भाजपा शासनकाल के दौरान बिलासपुर कलेक्टर रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला प्रश्न, राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निज सचिव, याद रखेंगे इसमें दोस्तों पहले देखे थे सचिव देखे थे, अब इसमें निज सचिव के बारे में निज सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो इनका सही आंसर क्या होगा, श्री दीपक अंधारे को नियुक्त किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे दोस्तों, इन सही पॉइंट को याद रखेंगे। नियुक्ति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है अभी वर्तमान में जितने भी नियुक्त किए हैं उन सभी के बारे में है, आने वाले समय में जितने भी नियुक्तियां होंगे उसे भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय छत्तीसगढ़।